हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति। आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्लास सेवन्थ की इंग्लिश है, इंग्लिश रीडर बुक से लेसन नंबर 10 है। लेसन का नाम है द मॉडर्न वे। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर फर्स्ट देखिए, लिसन एंड रिपीट है। इसमें आपको क्या करना है, सुनना है और दोहराना है, ठीक है। ये राइमिंग वर्ड्स हैं। फर्स्ट देखिए, फॉन बन गन, ठीक है, इस तरीके से हम रिपीट कर लेंगे। नेक्स्ट है रिंग सिंग ब्रिंग, रोप होप कोप, जस्ट मस्ट रस्ट, नाइट माइट फाइट, मार्स कार्स स्टार्स। ओके, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आंसर्स हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हुम डज द पोएटेस इनवाइट, कवित्री किसको आमंत्रित करती हैं। आप आंसर लिखेंगे द पोएटेस इनवाइट्स हर फ्रेंड, जो कवित्री हैं अपने मित्र को आमंत्रित करती हैं। क्वेश्चन नंबर टू है यहाँ पे, व्हाट डज शी वॉन्ट टू सी, ठीक है, वह क्या देखना चाहती हैं। आप आंसर लिखेंगे सी वॉन्ट्स टू सी द मून, वह चंद्रमा को देखना चाहती हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में है, विच आर द थिंग्स दैट अट्रैक्ट हर, तो कवित्री को कौन सी चीज़ें आकर्षित करती हैं। आंसर होगा स्टार्स दैट शाइन लाइक डायमंड्स अट्रैक्ट हर, हीरे के समान चमकते तारे उसे आकर्षित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच टेस्ट हैज़ सी क्लियर्ड, वह कौन से इम्तिहान में सफल हुई, इम्तिहान यानी एग्ज़ाम, वह कौन से एग्ज़ाम में सफल हुई। आप आंसर लिखेंगे शी हैज़ पास्ड हर टेस्ट ऑफ राइडिंग द रॉकेट, तो उसने वायुयान उड़ाने की परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाट डज सी लॉन्ग टू डू, वह क्या करने को लालायित हैं। तो आप आंसर लिखोगे सी लॉन्ग्स टू टेक हर फ्रेंड फॉर अ राइड। नेक्स्ट देखिए, वर्ड पावर में यूज द प्रीफिक्स ऑन टू राइट द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, तो जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं उसके आगे प्रीफिक्स लगाना है, प्रत्यय लगाना है अन, और उसका अपोजिट वर्ड आपको बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया गया इजी, इजी का क्या हो जाएगा, अन प्रीफिक्स लगा देंगे, अन प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा अन ईजी। ओके, इसी तरीके से हम बाकी के वर्ड्स कर लेंगे, जैसे प्लीजेंट का हो जाएगा अनप्लीजेंट, हैप्पी का अनहैप्पी, वॉन्टेड का अनवॉन्टेड, नेचुरल का अननेचुरल, ठीक है, इसी तरीके से हम प्रीफिक्स यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट ग्रामर में देखिए क्या है, रीराइट द गिवन लाइन्स यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स वेर एवर नेसेसरी, तो निम्नलिखित पंक्तियों को आवश्यकतानुसार विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखना है हमें। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं, ये हमारा जो सेंटेंस दिया गया है, आई हैव अ ट्री कॉमा अ ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन फुल स्टॉप, अंडर इट कॉमा आई ऑफन सिट कॉमा व्हेन ऑल माय वर्क इज डन फुल स्टॉप, ठीक है, इस तरीके से हम विराम चिन्ह लगा लेंगे। और भी देखिए, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड कैपिटलाइज वेयर एवर नेसेसरी, तो अर्थपूर्ण वाक्य हमें बनाना है, शब्दों को व्यवस्थित करना है और जहां आवश्यकता है वहां पे कैपिटल शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। यहां पे हमें दे दिया गया है, देखिए, हैव टाइम इफ़ वी विल विजिट फुल स्टॉप मार्स वी, ठीक है, इस तरीके से हमें दिया गया है, इसे हमें रीअरेंज करना है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इफ़ वी हैव टाइम वी विल विजिट मार्स फुल स्टॉप, ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, सेकेंड का आंसर देखिए, इट्स रियली अ क्वाइट प्लीजेंट ट्रिप, ठीक है, फुल स्टॉप। थर्ड आंसर है स्टार शाइन लाइक डायमंड्स इन द स्काई, फुल स्टॉप। और फोर्थ है माय रॉकेट इज़ वेटिंग जस्ट आउटसाइड, ओके। फिफ्थ यहाँ पे है, आई विल टेक यू फॉर अ लॉन्ग राइड, तो इस तरीके से हम सारे जो है वर्ड सेंटेंस को रीअरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पहला स्टॉप में देखिए, यहाँ पे क्या करना है, अपने मित्र से चर्चा करना है, ग्रहों के नामों की सूची बनानी है और तब इन प्रश्नों को पूछो और उत्तर खोजो, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द प्लैनेट्स आप दिया गया है, तो यहाँ पे क्या क्या है, मर्कुरी विनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न नेपच्यून यूरेनस, ठीक है, ये
हमारे प्लैनेट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे पूछा गया है, देखिए विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ये जो आपको प्लैनेट्स के नाम दिए गए हैं इनमें से सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो आप आंसर लिखेंगे द मर्क्यूरी। सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, द मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पीपल हु गो इनटू स्पेस आर कॉल्ड। ठीक है, तो स्पेस में जाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉट। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एस्ट्रोनॉट यू हैव रीड अबाउट, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट द स्पेस जर्नी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे टू राइड थ्रू द स्टार्स। तो बच्चों यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।